10 साल में नरेंद्र मोदी सिर्फ जुबान में बोलते हैं लेकिन सकारात्मक धरातल पर काम नहीं करते हैं। कि काला धन लाएंगे, हर खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। हम लोग इस बार सोच के रखे हैं जो नलिन सोरेन को भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। वापस से नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी हम झारखंड में हैं और झारखंड में चुनावी माहौल अभी बहुत गरमाया हुआ है। ये लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, लास्ट चरण है जो कि 1 जून को होने वाली तो है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे भाई बंधु बैठे हुए हैं। इनको थोड़ा सा पूछ के ये क्लियर कर लेते हैं कि मेरा कोई पार्टी से उस तरीके से संबंध नहीं है, किसी खास पार्टी से, और ये लोग हमको पर्सनली जानते हैं कि नहीं। तो भैया, क्या आप लोग हमको पर्सनली जानते हैं? नहीं, आपको तो नहीं जानते, आपको तो यही पहली बार देख रहे हैं आप लोग। भैया, हमको किसी को जानते हैं, मतलब हमको पहले से जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं। तो बस यही था कि जो भी जेन्यून रिव्यू आएगा, ग्रामीण यहाँ पे क्या चाहते हैं वो आपके सामने परोसा जाएगा। तो वीडियो शुरू करिए और पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, सबसे पहले ये गाँव है, पहाड़ वगैरह सारा कुछ है। घर और की बात करें तो सारा घास फूस का ही बना हुआ है जो जनरली गांव में हुआ करता है। और झारखंड वैसे भी वास्तव में बहुत गरीब है, तो यहाँ के लोग भी गरीबी से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं और यहाँ जो भी बैठे हैं सब लोकल के ही लोग हैं। और चुनाव को लेकर इन लोगों का क्या मानसिकता है वो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अभी अगर देखें तो इलेक्शन का जो जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग का कहना है जो 10 साल से नरेंद्र मोदी जो हम लोग के बारे में कुछ अभी तक नहीं सोचा है और एरिया में कोई विकास का काम ही नहीं किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार जो नया प्रत्याशी जो बनाया है नलिन सोरेन, हम लोग उसको एक बार सांसद का रूप में देखने चाहते हैं। क्योंकि हम लोग का शिकारीपुरा विधानसभा में नलिन सोरेन का ही पूरा चर्चा चल रहा है। शिकारीपुरा विधानसभा का लोकप्रिय विधायक है और सुनील सोरेन भी 5 साल था लेकिन 5 साल का दरियान में कुछ काम नहीं किया, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो सामने एक और भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो इनसे थोड़ा सा एक सवाल पूछते हैं कि इन्हीं का गांव में ये जो चर्चा हो रही थी कि हम बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जेएमएम ने कुछ नहीं किया और बाकी जो जितने भी पार्टियां हैं किसी ने कुछ भी नहीं की है, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ का विकास नहीं हुआ अभी तक। विकास तो जो यहाँ का विधायक ही किया था पहले, जितना पुल पुलिया और रोड सारे यहाँ के विधायक नलिन सोरेन ही किया था। हम लोग सोचे प्रधानमंत्री ये देश की राजा है, हम लोग को यहाँ पानी के लिए बहुत सुविधा कर देगा, खेती के लिए, गरीबों के लिए आवासों का सुविधा कर देगा। आवास तो सीधे वो पाबंदी पर लगा दिया, आवास यहाँ सेंट्रल से ना भेजने का काम किया। हेमंत सोरेन अपना पैसा लगाकर अपना जो था वो अब आवास लेके किसी गरीब को मुसीबत को काम दिया कि उसी से 10-20 जितना आवास गाँव पर पंचायत पर बंटवारा हुआ। ऐसे स्थिति पर हम लोग अभी तो विधायक नलिन सोरेन को यहाँ से संसद चुनकर दुमका लोकसभा से जीता, भारी बहुमतों से जीता कर हम लोग दिल्ली भेजेंगे और हम लोग को सरकार अब की बार राहुल गांधी बनेगा। धन्यवाद। तो एक पदयात्रा की बात अगर कहें तो उसमें काफ़ी कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है राहुल गांधी को, और ये जो इंडिया गठबंधन है उससे भी हुआ है, तो उसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है वर्णवास सोरेन, शिकारीपुरा प्रखंड के आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कि 10 साल में नरेंद्र मोदी सिर्फ जुबान में बोलते हैं लेकिन सकारात्मक धरातल पर काम नहीं करते हैं। किसी को भी मेरा पसली सिर्फ जो भी वादे करते हैं तो सकारात्मक रूप में पूरा नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किए हैं। इसलिए राहुल गांधी जब
न्याय पद यात्रा में थे तो उस समय हम लोग सुने, तो उसी को चाहते हैं। इस बार बदलाव जरूर होगा और राहुल गांधी को ही चाहते हैं और दुमका लोकसभा से नलिन सोरेन को जीता के हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं। हम और एक बात और बोलने चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो वादा किया कि काला धन लाएंगे, हर खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे और 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन जितना वो बोला समूचा झूठ वादा करके हम लोग गरीब गुरबा जनता को इतना छीलने का जो काम किया, उसको हम लोग सबक सिखाने के लिए उसको 1 तारीख को हम लोग पूरा सबक सिखाएंगे और उसको 4 तारीख को यहाँ से उसको झोला पकड़ करके उसको भेज देंगे, वो जहाँ का है तहाँ। लेकिन अभी उसको हम लोग देखने नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना जुमला जो पूरे जनता को ठेकने का काम किया, पूरा देश का जनता देख रहा है। अभी बोल उसका नया नारा एक शुरू कर दिया है जब अब की बार 400 पार, वो 400 कहाँ पार करेगा, वो अपने ही तड़ी पार हो जाएगा। यही जनता को सोच है, जबकि यहाँ से उसको जल्द से जल्द जनता उसको हटाएगा। बस इतना ही कहते हैं, बहुत बोलने का तो बहुत कुछ है लेकिन क्या बोलेंगे, हम लोग मजबूर हो गए हैं, इसलिए हम लोग इस बार सोच के रखे हैं जो नलिन सोरेन को भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। तो झारखंड में अभी दो ही चुनावी पार्टी टक्कर में है, एक तो बीजेपी और दूसरा इंडिया, और जो बात करें तो जेएमएम की। तो ये भाई साहब से भी पूछते हैं इनका प्रतिक्रिया क्या है कि बीजेपी को कितने मिलने चाहिए सीट और जेएमएम को कितने मिलने चाहिए, कितने मिलने की मतलब आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले तो सभी को झारखंडी जोहार, क्योंकि हम झारखंड से हैं तो पहले जोहार ही करेंगे। मतलब अगर देखा जाए गांव का जो स्थिति है अभी, इधर का जो माहौल है या पूरा दुमका जिला का जो माहौल में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा जो है लगभग इधर से साफ होने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया से ही उसका सुपड़ा साफ होगा। उसका जो नारा है इस बार का कि बीजेपी इस बार जो है 400 पार और मोदी का जो गारंटी है, ये सब जो है पिछला 10 साल से हम लोग सुन चुके हैं। पहले उसका गारंटी ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बड़ी बड़ी जो है स्कीमें लाएंगे हम लोग, देश को आगे बढ़ाएंगे। तो देश वासियों को तो आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन देश में कुछ चुनिंदा लोगों को ज़रूर आगे बढ़ा दिया और देश का ऐसा बिड़ा गर्क किया है कि हर एक आदमी में कम से कम 2 लाख का कर्ज है। अगर एक एक आदमी 2 लाख करके कर्ज देगा तो भारत जो है कर्ज मुक्त बनेगा। तो पिछला 70 साल में अगर 1% था कर्जा, तो 2014 से 24 तक 10 साल में उसका 100 गुना बढ़ चुका है। तो ये सब भी जो है थोड़ा देखते हुए आदमी सोच रहा है कि अगर और एक बार यदि नरेंद्र मोदी को हम लोग लाएंगे, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो शायद जेल वेल भेल जो भी है सब तो बेच ही दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, रेल बेच दिया, सब बेच दिया है। तो आदमी इस बार सोच रहा है कि कहीं हम ही लोगों को ना बेच दे। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इस बार का जो माहौल है वो लगभग सभी आदमियों ने सोच लिया है कि हम लोग पूरा चेंज करेंगे। और इस बार सीधा सीधे हम ये बोल देते हैं कि लगभग 99% आदमी जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो चलिए एक बार फिर से नईम भाई से कुछ पूछ लेते हैं। ये डबल सरकार की जो इंजन की बात चल रही थी, 400 आंकड़ा पार करने की बात हो रही थी, और अभी जिस तरीके से यहाँ पे माहौल है, टक्कर है दो पार्टियों में, एक बीजेपी और दूसरी जेएमएम में, तो उसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ,
कि झारखंड से शिकारी पड़ा विधानसभा खास करके, यहाँ से उनका वोट तो ना कि बराबर होगा कि यहाँ हर 35 साल से वोट चुनावी विधानसभा में जीत जेएम का ही होता है और होते रहेगा। अब की बार भी सरकार जीत की हासिल यहाँ जेएम का ही होगा। बीजेपी का सत्ता यहाँ इसीलिए नहीं रह रहा है कि वो अपना झूठ बातें कहीं भी रख कर अपना गरीबों को अवशासन देकर भूल बहला फुसला कर झूठे बातें देकर वो अपना मतदान लेकर यहाँ से अपना सरकार बना लेते हैं और गरीबों को देखरेख नहीं कर रहा। सुनने में आया था कि ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी मतलब कोयले वाले क्षेत्र हैं, सबको अडानी को या फिर किसी कंपनी को बेच दिया गया है। और कई बार क्या हुआ कि भारी भरकम मशीनें और आधुनिक तकनीक वाली मशीन आई थी तो जिसको ग्रामीणों ने शायद यहाँ से निकाल दिया, फिर क्या हुआ नहीं पता। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर ये सब सारा कुछ हो जाता तो यहाँ के ग्रामीण कहाँ जाएंगे और ग्रामीण क्या सोचते हैं उस बारे में? इसीलिए यहाँ का जनता चाहता था कि वो लोग ग्राम सभा भी करने के लिए, 10 साल में जो भी सरकार आया तो यहाँ चिट्ठी भी आया था ग्राम प्रधान लोग कि ग्राम सभा कर रहा था जमीन के लिए कि यहाँ कोल ब्लॉक खुलेगा। तो यहाँ का जनता का कहना है कि हम लोग को यहाँ किसी कंपनी को नहीं चाहिए कि कंपनी जब बैठ जाएगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इसीलिए ये कोल ब्लॉक यहाँ चलने वाला नहीं है, ये सरकार का वादा यहाँ नहीं होगा। तो और इधर आप लोग कुछ अगर जोड़ना चाहेंगे तो बताइए। हम क्या बोलेंगे कि यही बोलना चाहते हैं कि मेरे जानकारी में ऐसे सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री शायद साजिश के तहत ही जनधन खाता खुलवाया जीरो बैलेंस में हर गरीबों को, हर गांव में, हर परिवार को। जब उसको पता चला कि इतना खाता खुल गया तो अचानक लोग नोटबंदी कर दिया तो गरीब परिवार का खाता ही नहीं है तो सब लोग उसी जनधन खाता में जमा कर दिया। तो टोटल पैसा जब जमा कर दिया तो फिर मोदी बोलते हैं कहाँ से गरीबों का पैसा जनधन खाता में आएगा, ये आतंकवादी का पैसा है, इस बचाने के लिए जमा कर दिया है। देखिए गरीबों को भी नहीं छोड़ा और गरीबों को भी मारिए दिया, बाद में जनधन खाता भी लॉक कर दिया। तो अब वैसे तो जमा ही नहीं कर पाए लाइन में लग के, जितना कमाए था उसको भी बर्बाद कर दिया। और स्टेज में बोलते हैं हम आदिवासी गरीब हित में काम करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में ऐसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट रूप में गरीबों को बर्बाद करने के लिए काम करते हैं, सिर्फ इतना हम बोलना चाहते हैं। तो अंत में सभी भाइयों से एक और मेरा छोटा सा सवाल है, अगर कुछ और भी कहने को है तो आप लोग थोड़ा सा जोड़ दें और वीडियो हम लोग इसके बाद यहीं पे समाप्त करेंगे। हम लोग जो बोलने का तो आपको तो बोल यही दिए कि हम लोग इस बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से नलिन सोरेन को जीता रहे हैं, इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। नलिन सोरेन जिंदाबाद, नलिन सोरेन जिंदाबाद, नलिन सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद नलिन सोरेन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, नलिन सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारा एक प्रयास था कि झारखंड में किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है वो चीज़ आपको दिखाने का, कुछ लोगों से बातचीत किए, हालांकि ये लोग भी कुछ खास पार्टी से उस तरीके से रिलेशन नहीं रखते हैं, लेकिन इनका भी कुछ मानना है कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है वो चीज़ को लेकर। तो ये जेन्यून रिव्यू था। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछला 5 साल 10 साल 15 साल में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ और लोग क्यों किसी खास पार्टी को चाह रहा है वो सारा कुछ है इसमें। तो वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जोहार।